जाएगा कहाँ सर? उसमें बैकवर्ड कोई काम करेगा कि नहीं आपके ब्लॉक में? सीधा सीधे हिसाब है, ऐसा थोड़ी है। आपके लोग रहिएगा तो सस्पेंड कीजिए भाई, फॉरवर्ड बुला लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं शुभे आपके साथ। बिहार में इस वक्त चुनाव का माहौल है और ऐसे में कई सारी तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, नेताओं की कई सारी बातें सामने निकल कर आ रही है। इसी कड़ी में अगर आज की खबर बताएं तो दरअसल आज एक ऑडियो एक मंत्री का वायरल हुआ है। इस ऑडियो में मंत्री जी जात पात के बारे में कहते नजर आ रहे हैं और एक अधिकारी को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं और ये कहते नजर आ रहे हैं कि पिछले 25 सालों से मैं भी जात पात की राजनीति कर रहा हूं। और क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री जी, आप पहले उस ऑडियो में सुन लीजिए। प्रणाम प्रणाम, क्या हाल चाल सी है सर? ठीक है सर। अरे ये आंगनबाड़ी वाला आप ही देखते हैं का? जी जी। तो कौन पंडित जी है जी? बड़ा बाबू तो बड़ा तबाह करता है बैकवर्ड लोगों का जी। केकरा का तबाह किया? अरे एक वो सुपरवाइजर है, आपसे कहवाई वो किए थे कि डॉक्टर साहब से भी हम कवर कराए थे। जी जी। सीमा कुमारी नहीं है? अरे डिप्टी उप्टी नहीं करती है का वो? ना सर, उसने थोड़ी गलती की है सर। वो गलती की है सर थोड़ा सा, उसको तो हम पर्सनली व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। पंडित जी वहाँ गलती कर रहा है सीओ साहब, हम लोग को नहीं पता है जी। वो तो सर वही डिपार्टमेंट में है सर, दूसरा डिपार्टमेंट थोड़ी है। डिपार्टमेंट में तब अब हम उसका जाँच करवाते हैं। अब मान लीजिए कि हम आपसे कहे कि आपको बोल देते हैं, हम उसका जांच करवाते हैं कि कितना संपत्ति अर्जित किया है, क्या क्या कर रहा है वो। मान लीजिए कि एक बार इशारा कर दिया गया तो छोटा छोटा बात के लिए चिट्ठी, उसका हस्बैंड मंत्री से जुड़ा है तो दबंग है तो का लिखवा दिया जी? आप दस्तखत कर देते हैं छोड़ दे? वो नहीं लिखा है सर, उसी का एक। देखिए सीओ साहब, हम अंत में आपसे बोल रहे हैं कि आप मैंने जिस तरह से आप चला रहे हैं ना, आप चला रहे हैं, वो नहीं चला रहा है ना। वो तो सही है, आपके जैसा वीडियो साहब भी फॉरवर्ड क्लास के हैं, आप लोग तो गजब आप चला रहे हैं जी। बैकवर्ड कोई अफसर नहीं रहेगा का सर? उसमें बैकवर्ड कोई काम करेगा कि नहीं आपके ब्लॉक में? सीधा सीधे हिसाब है, ऐसा थोड़ी है। आपके लोग रहिएगा तो सस्पेंड कीजिए भाई, फॉरवर्ड बुला लीजिए। ऐसा थोड़ी होता है ना, ऐसा देखिए ज्यादा ज्यादती आप भी कर रहे हैं। हमारा पीए गया था, आप किस शब्द का प्रयोग किए? आप समझते हैं ललन राय भूमिहार है तो वही एक पीए है, हमारा पीए दो है तो उसको क्या आप शब्द बोले जी? कुछ नहीं बोले, खाली यही बोले थे सर। बैकवर्ड है तो उसको बोल दीजिए उल्टा सीधा सर। फॉरवर्ड रहेगा तो उसको तेल लगाइएगा सर। हम ही जानते हैं कि बैकवर्ड है या फॉरवर्ड है। ज्यादा ज्यादा देखिए सीओ साहब, ज्यादा ज्यादती मत कीजिए, 25 साल हमको ये करते हुए हो गया सर। ये सर हम लोगों के दिमाग में ये नहीं रहता है कि कौन आपके यहाँ अगर 10 लोग बैठा है तो केवल फॉरवर्ड को सम्मान देते हैं, बैकवर्ड को दुर्कार देते हैं। एक तो ये चीज हमारा क्लेम है। चार आपका सुपरवाइजर है, एक मान लीजिए कि कुशवाहा सुपरवाइजर है तो टॉर्चर आप करवाते हैं का? हम क्यों टॉर्चर कराएंगे सर? टॉर्चर करवाते हैं कि चिट्ठी दीजिए, ही चिट्ठी निकलवाइए, ऐसा करवाइए सर। चलिए कलम का लड़ाई है, आप तबाह कीजिए, आपको हम तबाह करते हैं। चलिए अब कलम से हम लोग लड़े, अच्छा रहेगा सर। हम क्यों करेंगे सर? आप कलम से लड़िए, आप उसको सस्पेंड कीजिए, जो कीजिए आपके ऊपर हम लिखते हैं। हम क्यों करेंगे सर उसमें? अरे ऐसा काय करवा रहे हैं जी, निकालिए निकालिए, फटाका दस्तखत करने में एकदम माहिर है। काम जो करना है एक पैसा का काम नहीं करते हैं, और जो काम करते हैं उसको टॉर्चर करवा रहे हैं जी, ऐसा काय कर रहे हैं जी? सर आवेदन कोई देगा तो जांच नहीं होगा? आवेदन देगा तो आप जांच करवाइए, जांच करवाइए तो चारों का करवाइए। एक कुशवाहा है उसी का जांच करवाइएगा जी। वैसा थोड़ी है सर कि कुशवाहा है भगवाना, कितना आपके विभाग में आंगनबाड़ी में क्या हो रहा है हम नहीं जानते हैं जी। कितना महीना आप लेते हैं हम नहीं जानते हैं। हम लोग नहीं बोलते हैं, इज्जत करते हैं, इसका मतलब इज्जत हमको मत कीजिए। ऐसा थोड़ी होता है सर। आप यहाँ से जाइएगा ना तब आपको पता चलेगा कि हम उचका गांव में थे तो कितना इज्जत से थे या दूसरे जगह क्या हो रहा है। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। आप तो तमाशा बनाए जी, हमारे पीए को आप बेइज्जत कर दिए ऑफिस में। आप कि कुछ नहीं जानते हैं, ऐसा पैसा कौन सा लाख साहब अफसर है जी? आप डीएम साहब से बड़ा है का? सर पीए साहब को क्या बोले? डीएम साहब से बड़ा आप है सर? पीए साहब को हम क्या बोले? पीए साहब बोल दिए क्या बोले आप? चलिए ऐसा ये ऐसे नहीं होगा, आप लीगली आइए, सीरियली से आइए, अनाप शनाप। बिल्कुल बोल दिए जी सर, बिल्कुल गलत बोले हैं। हम बोले हैं अभी हम आ रहे हैं, आपके सामने हमारा पीए रहेगा, आपसे बात करवाते हैं सर। वहाँ ऐसा मनहानी आप करते हैं जी सर, आपके खिलाफ लिखते हैं, आप उसका जवाब दीजिए, काटिए फोन।
कलम से लड़ते हैं तो कलम से लड़िए। आपको बता दें कि नीतीश कैबिनेट के एक मंत्री का ऑडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो में मंत्री जी एक अधिकारी को हड़का रहे हैं। मंत्री जी कह रहे हैं कि आप जो जात पात कर रहे हैं वो मैं 25 सालों से कर रहा हूं। बिहार सरकार में समाज कल्याण मंत्री रामसेवक सिंह का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। रामसेवक सिंह गोपालगंज के हथुआ से जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव के दौरान ही मंत्री सह जदयू प्रत्याशी रामसेवक सिंह का एक ऑडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो में मंत्री रामसेवक सिंह उचका गांव सीओ को हड़का रहे हैं। ऑडियो में मंत्री जी कहते सुने जा रहे हैं कि आप लोग बैकवर्ड फॉरवर्ड करते हैं, बैकवर्ड को परेशान कर रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। तुम लोग फॉरवर्ड हो और बैकवर्ड कर्मी को परेशान करते हो। बीडीओ भी फॉरवर्ड है और आप भी फॉरवर्ड हो। जात पात की बात करते हुए मंत्री जी कुंडली खोलने की धमकी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कुशवाहा कर्मी को परेशान करते हो और ब्राह्मण को तेल लगाते हो। आप लोग फॉरवर्ड को मदद करते हो और सिर्फ उसी का काम करते हो। दरअसल मंत्री जी एक कुशवाहा कर्मी पर एक्शन लेने में बिरफे हुए थे। ऑडियो में मंत्री कहते सुने जा रहे हैं कि सिर्फ कुशवाहा पर एक्शन लेते हैं और ब्राह्मण सुपरवाइजर पर कुछ भी नहीं करते। पंडित सब कितना गलती करता है उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं करते। अंचला अधिकारी जब मंत्री के आरोप का प्रतिकार करता है और कहता है कि वो जात पात नहीं करते तो मंत्री जी और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। मंत्री कहते हैं बहुत कलम चलाते हो, अब कलम की ही लड़ाई होगी। अधिकारी बार बार सफाई दे रहा है, मेरे लिए सब बराबर है, लेकिन मंत्री जी जाति की राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। अंचला अधिकारी बार बार यह कह रहा था ऐसा नहीं करते, लेकिन मंत्री जी मानने को तैयार ही नहीं हो रहे थे। वो सिर्फ बैकवर्ड फॉरवर्ड की रट लगाए हुए थे। ऑडियो में मंत्री कह रहे हैं कि हमने अपना पीए भी भेजा लेकिन वह बैकवर्ड था, तो आपने उसको दफ्तर में जलील किया। और भूमियार पीए जब आपके यहाँ जाता है तो आप उसे तेल लगाते हैं। हालांकि ये ऑडियो किस वक्त का है इस बात की जानकारी किसी को नहीं। स्वयं रामसेवक सिंह भी यही कहते नजर आ रहे हैं कि मुझे इस बात का पता नहीं, लेकिन न्यूज फॉर नेशन भी इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। और चुनाव के दरमियान ये ऑडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।